सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आयुष, आप लोग देख रहे हो आयुष गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी 11 प्रो प्लस फ़ोन और रियलमी 10 प्रो प्लस फ़ोन की कंपैरिजन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता ही होगा रियलमी जो है 11 प्रो प्लस मार्केट में लॉन्च कर रहा है सितंबर में। सो फ्रेंड्स, इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि फ़ोन कैसा है रियलमी 10 प्रो प्लस के मुकाबले। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट को किए हुए। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोग के सामने यहाँ रियलमी 11 प्रो प्लस वर्सेस रियलमी 10 प्रो प्लस ऑटोमेटिक कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आज हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, जो रियलमी का 11 प्रो प्लस है जो फ़ोन है, वो अपकमिंग मतलब आने वाला है और उसका जो प्राइस आएगा लगभग 25,000 के अप्रॉक्स, मतलब उसके आसपास में आएगा 25,000-24,000 के आसपास, जैसे अभी रियलमी 10 प्रो प्लस मार्केट में चल रहा है 25,000 का। सो फ्रेंड्स, अगर रेटिंग की बात कर ले तो अभी तो ये लॉन्च नहीं हुआ, बट रियलमी 10 प्रो प्लस की 5G 4.5 रेटिंग है और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर था 7.8। जब रियलमी 11 प्रो प्लस होगा तो उसका क्या स्कोर जाएगी वह तो बाद में ही पता चलेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन की और रियलमी 11 प्रो प्लस एंड रियलमी 10 प्रो प्लस 5G की। सो फ्रेंड्स, आप लोग को क्या लगता है आप लोग को कौन सा लेना चाहिए? बात करें फ्रेंड्स अगर रियलमी 11 प्रो प्लस की डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था, बट रियलमी 10 प्रो प्लस का नॉर्मल डिज़ाइन था, वही रियलमी 11 प्रो प्लस वन प्लस के जैसा डिज़ाइन लाया है इस बार। प्लस इसमें भी कर्व डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगा, इसमें भी कर्व डिस्प्ले मिलेगा, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बस स्पेसिफिकेशन क्या है उसके प्रोसेसर में, उसके कैमरे में, इसमें डिफरेंस आप लोग को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को जो जो लोग वॉच कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर, जाकर सब्सक्राइब करो। चलिए हम लोग चलते हैं अपने ओवरव्यू की तरफ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। परफॉर्मेंस की बात कर लें फ्रेंड्स, तो जो रियलमी 11 प्रो प्लस 5G है, वे आप लोग मीडिया टेक डायमेंसिटी 7050 के साथ आएगा, प्लस 12GB रैम के साथ आएगा। वही फ्रेंड्स, बात कर लें मीडिया टेक रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के, तो वे मीडिया टेक डायमेंसिटी 1080 के साथ आएगा, MT6877V 6GB रैम के साथ, MPS स्कोर इसका 8 रहेगा। तो ज़्यादा परफॉर्मेंस के मुकाबले बात किया जाए तो मीडिया टेक डायमेंसिटी 7050 ही आप लोग को मिलेगा। हम लोग चलते हैं डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले में 6.7 इंच एमोलेड कर्व डिस्प्ले है, या 10+ का सपोर्ट मिलेगा। एंड वही रियलमी 10 प्रो प्लस की बात कर ले, उसमें भी 6.7 इंच का एमोलेड कर्व डिस्प्ले HDR10+ मिलेगा। इसका MPS स्कोर इसका भी 8 है, अभी लॉन्च होने और लॉन्च होने के बाद पता चलेगा कि इसका MPS स्कोर ज़्यादा निकलता है कि इसका MPS स्कोर कम निकलता है। अब रियर कैमरे की बात कर ले फ्रेंड्स, तो रियर कैमरा में आप लोग को डिफरेंस मिलेगा इस बार। जो रियलमी 11 प्रो प्लस है उसका रियर कैमरा आप लोग को 200 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP मिलेगा, प्लस उसी में ट्रिपल कैमरा इसमें भी मिलता है, जिसमें आप लोग को मिलेगा 108 MP प्लस 8+2 MP। सो फ्रेंड्स, कुछ डिफरेंस लाया है इस बार रियलमी 11 प्रो प्लस जो लॉन्च होगा, उसमें 200 मिलेगा, इसमें 108 था। सो फ्रेंड्स, डिफरेंस है। फ्रंट कैमरा की बात कर ले, फ्रंट कैमरा में भी बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स। फ्रंट कैमरा में सिंगल 32 MP मिलेगा, 32 MP मिलेगा एंड सिंगल में से। एंड वही बात कर ले हम लोग रियलमी 10 प्रो प्लस की, तो उसमें 16 MP मिलेगा। और बात कर ले फ्रेंड्स बैटरी की, तो बैटरी में कुछ डिफरेंस नहीं था, बस जो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग कर दिया रियलमी 11 प्रो प्लस में, और रियलमी 10 प्रो प्लस में नॉर्मल सपोर्ट है 67W फास्ट चार्जिंग का भॉग के साथ। दोनों का सेम है, 5000 mAh का बैटरी है एंड फ्लैश 100W फास्ट चार्जिंग है, ज़्यादा फास्ट रियलमी 11 प्रो प्लस का है। प्राइस की बात कर ले तो अभी तो ये लॉन्च नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो कोई भी आपको स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगा। और वही प्राइस बात कर ले रियलमी 10 प्रो प्लस की, तो वह 25,000-24,000 में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो चीपेस्ट में आप लोग मीडिया टेक डायमेंसिटी 7050 मिला, और उसमें आप लोग मीडिया टेक डायमेंसिटी 1080 मिलता है। कोर की बात कर ले तो दोनों में ऑक्टा कोर मिलेगा 8-8। सीपीयू की बात करें 2.6 GHz डुअल कोर के मिलता है कॉर्टेक्स A78 के साथ, एंड इसमें एक मतलब इसमें क्वाड कोर है, उसमें क्वाड कोर नहीं देता है फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है। आर्किटेक्चर में 64-bit दोनों सपोर्ट करता है। फैब्रिकेशन में भी 6nm रैम 12/6 इसमें मिलेगा, इसमें बहुत डिफरेंस है। ग्राफिक्स में MLSG 68MC4, इसमें MLSG MC4, दोनों में सेम ग्राफिक्स मिलेगा।
रैम टाइप रियलमी 10 Pro Plus 5G का LPDDR4X मिलेगा। डिज़ाइन और हाइट की बात कर ले तो फ्रेंड्स दोनों का सेम डिज़ाइन हाइट है 6.36 inches। बस रियलमी 11 Pro Plus का थोड़ा सा ज़्यादा है। थिकनेस के मामले में बात करें तो थिकनेस के मामले में रियलमी 10 Pro Plus की ज़्यादा थिकनेस और रियलमी 11 Pro Plus की कम। वेट की बात करें तो रियलमी 11 Pro Plus की वेट ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी और वही रियलमी 10 Pro Plus की वेट आप लोगों को कम मिलती है। कलर आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, सिटी ऑफ सन राइज एंड सिटी ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड स्टरी नाइट ब्लैक एंड इसमें हाइपर स्पेस डार्क मैटर नेवल जो पहले से लाड है रियलमी का। और रियलमी 11 Pro Plus में डिफरेंस तो मिला है। डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बात कर ले हम लोग तो 1080x2200 pixels में मिलेगा। बात करें दोनों की जो रिजोल्यूशन है दोनों की सेम रिजोल्यूशन है एंड डिस्प्ले टाइप में एमोलेड कर्व डिस्प्ले है जो HDR10+ को सपोर्ट करेगा और इसमें रियलमी 10 Pro Plus में भी सेम है। डिस्प्ले की बात करें डिस्प्ले सेम है दोनों का एंड बेजलेस डिस्प्ले है यस विद पंच होल है। और पिक्सल डेंसिटी की बात कर ले तो 394 pixels per inch PPI इसमें भी सेम है। ब्राइटनेस की बात करें 800 nits मिलता है आपको रियलमी 10 Pro Plus 5G में और अभी तक रियलमी 11 Pro Plus में कुछ नहीं है। और 60mm कलर्स रिप्रोडक्शन एंड इसमें से भी 60mm कलर्स रिप्रोडक्शन एंड स्क्रीन टू बॉडी परसेंटेज बारे 90.81% है रियलमी 10 Pro Plus 5G का एंड वही रियलमी 11 Pro Plus 5G का 90.75% है। कैमरा रियर साइड में मिलता है ट्रिपल आप लोगों दोनों में देखने को मिलेगा। रियर कैमरा प्राइमरी कैमरा में वाइड एंगल 85mm FOV लेंस मिलता है। और ये बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा रियलमी 11 Pro Plus का है और रियलमी 10 Pro Plus में स्मार्ट शॉट कम है। और रियर कैमरा वही 8 megapixel रिजल्ट अल्ट्रा वाइड एंगल्स लेंस है जो f/2.2 aperture है। फोकल लेंथ सेम मिलेगा आपको, बाकी इसमें सेंसर साइज है पिक्सल साइज है। फ्रंट कैमरा सेटअप सिंगल है इसमें फ्रंट कैमरा में प्राइमरी में 32 में रिजोल्यूशन आपको लोग मिलेगा 32 megapixel का रियलमी 11 Pro Plus में। और 16 megapixel का रिजोल्यूशन मिलेगा आपको फ्रंट कैमरा में रियलमी 10 Pro Plus में। सेंसर ISOCELL है ISOCELL दोनों में। फ्लैश की बात करें तो LED रियर फ्लैश में LED रियर दोनों में जो LED का रियर फ्लैश ही हैं। और वीडियो रिजोल्यूशन की बात कर ले तो 30fps एंड 60fps एंड 240fps पे आप लोग बना सकते हैं वीडियो रियर कैमरा से। एंड 30fps फ्रेम रेट इसका ठीक है बट ज़्यादा अच्छा रियलमी 11 Pro Plus का बाय द वे क्योंकि 200 megapixel के इसमें कैमरा दिया गया है एंड रियलमी 108 megapixel का कैमरा है सॉरी। बात कर ले वीडियो रिजोल्यूशन की तो फ्रंट में 30fps है 30fps है कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑप्टिकल इमेजेस स्टेबलाइजेशन की बात कर ले तो ज़्यादा अच्छे स्टेबलाइजेशन आप लोग को मिलेगा रियलमी 11 Pro Plus में एंड रियलमी 10 Pro Plus में आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। कैमरा फीचर्स की बात कर ले ऑटो फ्लैश इसमें भी ऑटो फोकस मिलेगा फेस डिटेक्शन दोनों में टच ऑटो फोकस। कैमरा फीचर्स का जो फ्लैश फोकस डिटेक्शन टच फोकस दोनों सेम है। शूटिंग मोड में कंटिन्यू शूटिंग मिलेगा। हाई डायनेमिक रेंज मिलेगा HDR में, हाई डायनेमिक रेंज मोड मिलेगा HDR में दोनों सेम है। बैटरी के बारे में पॉलीमियर लिथियम पॉलीमियर के बैटरी टाइप मिलता है आप लोग को दोनों में सेम मिलेगा। 5000mAh की बैटरी मिलेगा, कैपेसिटी रिमूवल नहीं है, फास्ट चार्जिंग है यस फ्लो इसमें 100 चार्ज मिलता है, इसमें सुपर भॉक का 67W मिलता है तो ज़्यादा फास्ट आप लोग रियलमी 11 Pro Plus में मिलेगा। चार्जिंग स्पीड है 50% 17 मिनट्स में क्लेम करता है ब्रांड। और बात कर ले 11 Pro Plus की तो उसे कम ही उसे मानिए आप 10 ही मिनट्स में आप लोगों को 50% मिलेगा क्योंकि ये 100W का चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अभी तक तो रियलमी 10 Pro Plus के क्लेम किया है ब्रांड ने 50% आप लोगों को 17 मिनट्स में चार्ज होकर मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें दोनों एंड्रॉयड वर्जन 13 पर सपोर्ट करेंगे। और कस्टमर UI रियलमी का UI है। स्टोरेज इंटरनल मेमोरी इसमें 256GB तक आप लोग मिलेगा, इसमें 128GB तक मिलेगा तो बहुत डिफरेंस कर दिया है इस बार रियलमी ने। और एक्सपेंडेबल मेमोरी आप लोग को नहीं मिलता है इसमें दोनों में नहीं मिलेगा। मेमोरी टाइप में बात कर ले तो UFS 2.2 मिलता है और रियलमी 11 Pro Plus में नहीं मिलता है। स्टोरेज अवेलेबल फॉर यूजर्स की बात कर ले तो 106GB मिलता है उसमें नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो दोनों में डुअल सिम मिलेगा बट दोनों में नैनो मिलेगा। नेटवर्क की बात करें तो दोनों में 5G 4G का सपोर्ट मिलेगा। वॉइस ओवर LTE दोनों में मिलेगा। वाईफाई की बात करें तो
5800 मेमो ज़्यादा अच्छा है इसका, वाईफाई का दिया हुआ है रियलमी 10 प्रो प्लस का, बट ठीक ठाक है। वाईफाई फीचर्स की बात करें तो मोबाइल हॉटस्पॉट तो दोनों में मिलता है, ब्लूटूथ का वर्जन बात करें तो दोनों में ब्लूटूथ का भी वर्जन ठीक है, 5.2 है। यूएसबी के बारे में, यूएसबी सी टाइप है। मास स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी चार्जिंग ऑन द गो, मतलब ठीक ठाक है। जीपीएस की बात करें, यस विद जीपीएस, एजीपीएस एंड एजीपीएस ग्लोनेस है। NFC चीपेस्ट अब रियलमी 11 प्लस मिले और रियलमी 10 प्रो प्लस में नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर देखा जाए तो रियलमी 11 प्रो प्लस में बहुत डिफरेंस लाया गया है इस बार। स्पीकर की बात करें दोनों में, स्पीकर फीचर्स डॉल्बी एटमॉस का मिलेगा आप लोग को रियलमी 11 प्रो प्लस में, तो स्पीकर के फीचर्स में ज़्यादा अच्छा मेरे रियलमी 11 प्रो प्लस मिला क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस का साउंड मिले। और बात कर ले रियलमी 10 प्रो प्लस 5G को, तो उसमें नहीं, ऑडियो जैक की बात करें दोनों में ऑडियो जैक है, टाइप सी है। और बात कर ले वीडियो प्लेयर की, तो वीडियो फॉर्मेट MP4 में और इसमें वीडियो फॉर्मेट H2 मतलब MP4 MP2 MP4 VP8 और सनसेट की बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ऑन स्क्रीन ही मिलेगा आप लोग को, फेस अनलॉक मिलेगा। अदर सेंसर में लाइट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एलोमेटिक कंपास, जायरोस्कोप है, दोनों में सेम है। मतलब फ्रेंड्स बात करें तो ज़्यादा फीचर्स आप लोग को देखने को मिलेगा रियलमी 11 प्रो प्लस में। तो फ्रेंड्स मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूँगा आप लोग रियलमी 11 प्रो प्लस परचेस करें जो रिलीज़ होगा 21 सितंबर 2023 को इंडिया में। तो इसका एग्जैक्ट डेट मैं आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स, ये इंडिया में रिलीज होगा 21 सितंबर 2023। और फ़ोन की डिज़ाइन की बात कर ले तो डिज़ाइन अच्छा दिया है, बट उतना बेहतरीन नहीं डिज़ाइन दिया है, लेकिन बट नॉर्मल डिज़ाइन है, वन प्लस के जैसा डिज़ाइन दे दिया है 11R के जैसा, बट वे कॉर्नर में नहीं है, बीच में दिया है, बट ठीक है, इसका बीच में कैमरा फ्रेंड्स देख सकते हो। सो फ्रेंड्स ये आप लोग को इंडिया में 21 सितंबर 2023 को रिलीज हो जाएगा मार्केट में। सो फ्रेंड्स फ़ोन ऐसा है, देख लो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।